कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आजित टकरिया और आपका हमारे YouTube चैनल टेक एंड रिव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार, बहुत सारे लोगों को जो है ना, अपने जो बाइक का हो चाहे जो टू व्हीलर का होता है या किसी भी चीज का जो है EMI चेक करने में, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ टू व्हीलर जो होते हैं उसकी ही बात कर रहा हूँ, मतलब की बाइक्स की, तो उसके जो EMI होते हैं, मतलब की उसके जो इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, हमें कितना मंथली पे करना है, तो वो चीज जो है यहाँ पे हिसाब करने में, मतलब कि कैलकुलेशन करने में काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर आप इजिली मिनटों में जो है किसी भी बाइक का इंटरेस्ट किस तरीके से पता कर सकते हैं, किस तरीके से पता करेंगे कि आखिर मंथली हमें कितना पे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप बने रहिए, आपको यही चीज पता लगने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है और आपको काफी अच्छा नॉलेज मिलने वाला है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको नीचे है ना सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा रेड कलर का, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आपको बेल आइकन भी बन के आ जाएगा, जिसे आप प्रेस करेंगे तो आपको आने वाले फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, तो उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं सिंपली आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाता हूँ, वहीं पे टोटल चीज मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप जो है यहाँ पे आप अपना EMI चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको सिंपली करना क्या है, आपको ये वाला जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको सिंपली जो है आपको ये डिस्क्रिप्शन में जाना है और इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट का जो नाम है वो है bikedekho.com। ठीक है, bikedekho.com। अगर आपके सामने अगर फ्रेश वेबसाइट खुलता है तो हो सकता है कि आप ये EMI वाला जो पेज है ये ना आ पाए। तो ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सिंपल यहाँ पे बाइक एंड फाइनेंस पे जाना है, जहाँ पे लिखा है बाइक एंड फाइनेंस। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे EMI कैलकुलेटर जो है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, EMI कैलकुलेटर आपको यहाँ पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके सामने जो है रिफ्रेश होके पेज ये वाला आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बाइक लोन EMI कैलकुलेटर, तो यहाँ पे आप किस तरीके से चेक करेंगे, तो सबसे पहले जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ब्रांड, आपका जो बाइक है, जो भी बाइक है आपका, वो कौन से कंपनी का है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं हीरो का ले लेता हूँ। ठीक है, हीरो का हमने बाइक चॉइस कर दिया। मॉडल हम यहाँ से चॉइस करेंगे कि आखिर मॉडल कौन सा है, तो हीरो का यहाँ पे HF डीलक्स में यहाँ से चॉइस कर लेता हूँ। आपका जो भी बाइक है आप यहाँ से चॉइस कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए सिलेक्ट वेरियंट, आप यहाँ से अपना वेरियंट चॉइस करेंगे कि कौन सा वेरियंट है आपका। देखिए यहाँ पे किक स्टार्ट ड्रम स्पोक व्हील, यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक ये वाला किक स्टार्ट ड्रम वाला चॉइस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन, ये कितना प्राइस चल रहा है वो भी ये जो है आ जाएगा। देखिए हीरो HF डिलक्स, इसका प्राइस क्या है, 49,400 रुपी जो है यहाँ पे चल रहा है, और ये बाकी जो यहाँ पे जो रोड प्राइस है वो यहाँ पे 61,975 रुपी जो है यहाँ पे दिखा रहा है। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे डाउन पेमेंट, आपने गाड़ी लेते समय कितना डाउन पेमेंट दिया है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने डाउन पेमेंट जो है यहाँ पे 25,000 रुपए दिए हैं। ठीक है, और हमें जो इंटरेस्ट बताया गया है वो लगभग जो है यहाँ पे हम अपना इंटरेस्ट चॉइस कर सकते हैं। समझ लीजिए मैं यहाँ पे राउंड फिगर जो है 10% जो है यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, अब हमने कितने महीने के लिए हमने जो है अपना EMI जो है सिलेक्ट किया है, जैसे 6 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, मतलब कि आप कितने साल तक अपना पैसा भरते रहेंगे अपने गाड़ी का, वो यहाँ से चॉइस करेंगे। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 24 महीना जो है सिलेक्ट करता हूँ। ये हमारा टोटल हो गया, ये हमने टोटल सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए नीचे हमारा टोटल प्राइस, देखिए रोड प्राइस जो है यहाँ पे 59,258 रुपी यहाँ पे आ गया। टोटल जो लोन अमाउंट है वो 34,258 रुपये आ गया, और यहाँ पे जो पेबल अमाउंट है वो 41,112 रुपये आ गया। और यहाँ पे देखिए यू विल पे एक्स्ट्रा, आप कितना पैसा एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा 6,854 रुपये। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ये कैलकुलेटर करने के बाद आपको जो है टोटल आपका जो गाड़ी का जो प्राइस है वो आपको मिल जाएगा, और सेकंड आप जो मंथली पे कर रहे होंगे 24 महीने के लिए वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए 1,713 रुपये जो है आप मंथली पे कर रहे होंगे। अगर आप इस जो ये मैंने एक हिसाब बता दिया, आप अपने हिसाब से आपने जो गाड़ी खरीदा है उसका क्या हिसाब किताब है उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा हिसाब। मैंने जो है यहाँ पे हीरो का टू व्हीलर है,
एचएफ डिलक्स है, और साथ में ये रहा किक स्टार्ट ड्रम स्पोक व्हील 5, और डाउन पेमेंट 25,000 दिया है, इंटरेस्ट मुझे 10% में मिला है, और 24 मंथ के लिए जो है मैंने यहाँ पे इस गाड़ी को परचेस किया है, और टोटल जो यहाँ पे जो रोड प्राइस है वो 59,258 है, और जो टोटल लोन अमाउंट है वो 34,258 रुपए जो है हमें यहाँ पे मिल रहा है, और उसके बाद जो है यहाँ पे पेबल अमाउंट है वो 41,112 रुपए, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पे करना हो रहा है वो हमें यहाँ पे 6,854 रुपए, मतलब कि हमें जो इंटरेस्ट हमें यहाँ पे भरना पड़ रहा है वो 6,859 रुपए जो है हमें यहाँ पे भरना पड़ रहा है, और ईएमआई जो हमारा निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 1,713 रुपए है। दोस्तों आपको जो है यहाँ पे टोटली चीज जो है मैंने डिटेल्स में समझा दिया है, एक एक चीज जो है मैंने आपको यहाँ पे कवर करते हुए जो है समझाया कि किसको किस तरीके से आपको ऐड करना है, जैसे कि पहले ब्रांड, बाद में जो है यहाँ पे मॉडल, फिर जो है आपको वेरिएंट, फिर डाउन पेमेंट, फिर आपका इंटरेस्ट रेट, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है कि आप जो है कितने मंथ के लिए उसे ले रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे जो है आपको साल चॉइस नहीं करना होता है, यहाँ पे आपको मंथ ही सिलेक्ट करना होता है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं, या तो फिर आप गूगल में टाइप कर सकते हैं bikedekho.com, हमारा आप जो है इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, वहीं पे जो है टोटल चीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आई होप कि मैंने जो है आपको ठीक से जो है समझा दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गुड लक।